मैं कह रही हूँ तेरी दुआ, मुझे बीमार बैठने का नहीं, दिमाग पढ़ने के लिए। अभी मेरे साथ है मंसूर। धोनी मिला है हमें, धोनी का फैन। सलाम वालेकुम, आप आपको वास्ते ये क्या किया है बालों में, क्या पर है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आप सभी लोगों के घर वाले खैरियत आफियत से होंगे दोस्तों। तो आज है मंडे और आज है ईद। तो जी सुबह सवेरे उठे थे, सुबह उठा था मैं 6:30 बजे उठा था, 6 बजे उठा। उसके बाद नहाया, नमाज पढ़ी, उसके बाद मैंने चाय पी, तो बैठा था मैं फिर घर पे ही। अभी जी आ रहा है टाइम सुबह के 7:30 बज रहे हैं, अभी लगभग 7:45 बज रहे हैं। अभी जो जो हमारी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और जी हम सब की तरफ से आप सभी लोगों को ईद मुबारक। तो जी अभी कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अभी चाय वाय हो चुकी है, नहाया अभी मैंने, अभी लगाते हैं कपड़े, अभी जाना है नमाज के लिए। साथ है मंसूर और जाएंगे पापा और जाऊंगा मैं, तो हम तीन जा रहे हैं। दरगाह जाएंगे नमाज पढ़ने, हर बार की तरह हम रोज़ जाते हैं ईद पे दरगाह ही नमाज पढ़ने। अभी नमाज में टाइम है, अभी जी हम लगाएंगे यही 8:30 9 लगाएंगे कपड़े, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। जी तो गाइस अभी जी लगा लिया है मैंने कपड़े, अभी एकदम रेडी हो चुके हैं, अभी निकलते हैं घर से। मंसूर को पहले करेंगे कॉल, तो निकलेंगे घर से। अभी हो रखा है टाइम 8:30, वहाँ पे मैंने सुना कि जल्दी आज नमाज है 10:30, तो निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपसे रास्ते में। सर का लग बाल आज को टीन और गाइस मैं कह रही हूँ तेरी दुआ, मुझे बीमार बैठने का। सलाम वालेकुम गाइस, ईद मुबारक। और गाइस लोग तो गाइस ईद मुबारक, आज ईद है इनको। सलाम वालेकुम, आप आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। जी तो गाइस अभी जी हम निकले हैं घर से, अभी मेरे साथ है मंसूर। अभी हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए दरगाह, अभी पापा का वेट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। हम पहुँच चुके हैं दरगाह, अभी हमने सोचा पहले यहाँ से हम नीचे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी नमाज में बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी मेरे साथ है मंसूर, अभी हम जाएंगे नीचे, वहाँ पे कुछ फोटोज उठाएंगे और वहाँ पे बैठेंगे। अभी नमाज में बहुत ज़्यादा टाइम है यहाँ पे, और ऊपर से यहाँ पे आज खास भीड़ भी नहीं है, तो पहले चलते हैं नीचे। मंसूर कैसा लग रहा है दरगाह में आके? दिल गड़द गड़द हो रहा है। जी तो गाइस अभी हम आए हुए थे 11:30 बजे, हम पहुंचे घर नमाज पढ़ के, वापस आया निकले हम वहां से 11 बजे। 10 बजे आज थी नमाज, थोड़ा जल्दी थी क्योंकि कुर्बानी करनी होती है, इसीलिए इस बार रखी थी वहां पे नमाज जल्दी। उसके बाद हम पहुंचे 11:30 पहुंचे घर, उसके बाद पी थी चाय, फिर सो गया था मैं यहीं पे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ा था इसीलिए मैं सो गया था। फिर अभी जी खाना शाना हो चुका है सब कुछ, अभी मैं उठा, मैंने मुंह धो लिया, पहले मैंने खाना खाया। अभी बज रहे हैं, ये अभी भी ख़राब है घड़ी, अभी बज रहे हैं 2:00 अभी। अभी जी हम जाएंगे अदनान से मिलने, आज बहुत दिन हो गए उससे मिलने को, आज जाएंगे अदनान से मिलने। फटाफट निकलते हैं घर से, मंसूर को उठाते हैं साथ और जाते हैं अदनान के पास, मिलते हैं आपसे सीधा रास्ते में। ये तो गाइस अभी हम गए थे अदनान से मिलने,
लेकिन वो वहाँ पे भाई के साथ पता नहीं घूमने गया था कहीं, इसीलिए वो मिल नहीं पाया हमसे। अभी हम जाते हैं कल उसके बाद। अभी हम जी आए हैं हारवन, मंसूर, मैं और मेरे साथ है मुंसिफ। वो गया है, पता उसने बोला मैं लाऊंगा खाने के लिए कुछ, तो वो गया वहीं पे। अभी जी जाते हैं हम यहाँ से लेके अंदर, वहीं पे बैठेंगे, उसके बाद पार्क में जाएंगे। जी तो अभी आ चुका है ये मुंसिफ। अभी जी चलते हैं हम अंदर, पहले देखते हैं अंदर कैसा सीन रहेगा। बाकी यहाँ पे खास आज कुछ नहीं आए, अभी हम पार्क में भी जाने वाले हैं, पहले जाते हैं हम अंदर। क्या हो किसी ना लड़के ने बस देख ला मुंसिफा सुशिया स्नान कर वास्ते हो किसी ना लड़के हुई तरह पर। अभी जी हम आए हैं यहाँ पे अंदर। आज यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे सूखा पानी है आज। अभी यहाँ पे बहुत लोग हैं अंदर। अभी यहाँ पे हम बैठेंगे कुछ टाइम, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, फिर जाएंगे पार्क में, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है। अभी इस साइड छाँव है वहाँ से, अभी हम यहाँ पे बैठते हैं कुछ टाइम, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। ये क्या किया है बालों में, क्या पर है ये, क्या चौकर मास्टर्स? हाँ मैं आजाश मुंसिफ साजू हूँ। गाइस अभी आया है मुंसिफ हरवन पार्क में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एकदम पारिवारिक माहौल है। यहाँ पे मंसूर बैठा है, मंसूर एकदम पारिवारिक माहौल है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है गार्डन में। और क्या बताना चाहते हैं आप ईद पे? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। 1 hour later. जी तो गाइस अभी जी हम आ चुके हैं घर, अभी बज रहे हैं 9। अभी जी हम बाहर जला रहे थे पटाखे, और फोन मैंने रखा था चार्ज पे, इसीलिए मैंने क्लिप वहां पे नहीं ली। अभी हम मंसूर और मैं और छोटा भाई मेरा जला रहे थे पटाखे, और उसके दोस्त बाहर। हम आए थे, यही पहुंचे थे हम, 7 बजे आए थे हम घर। हम गए थे अदनान से मिलने, वो मिल नहीं पाया क्योंकि वो भाई के साथ पता नहीं घूमने गया था शायद। फिर हम गए हारवन, फिर हम हारवन पार्क में भी गए, उसके बाद हम निकले वहाँ से 7 बजे, 7:30 हम घर पहुँचे थे। उसके बाद मैंने पी चाय और थोड़ा सा रेस्ट लिया, तो उसके बाद हम निकले थे बाहर। अभी जी मैंने सोचा व्लॉग कर लेते हैं एंड। आज जी उतना मज़ा नहीं आया, उतनी ज़्यादा जैसे होती थी पहले ईद वैसे आज नहीं गई ईद। तो जी अभी मैं इस व्लॉग को कर लेता हूँ एंड। व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।